ये होता है सोच। एक सच्चा सिख किसी नमाज को रोकेगा नहीं कभी। किसी मस्जिद या दरगाह पे अगर कोई आंच आएगा ना, वो खंडा भी खड़काएगा उधर, क्योंकि इसका धर्म का रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा महाराज ने दिया हुआ वचन है। तो ये जो चीज, ये जो टीसी बोल रहा है कि सड़क बना के रखो क्या, अरे बेवकूफ, तेरे को पता है औकात? पता है क्या औकात? रेलवे में नहीं, जहाज है ना, जहाज 40-45 हजार फुट ऊपर आसमान फाड़ के उड़ता है ना, वहां पर नमाज अदा करने के लिए जगह रखा हुआ है। यह है इतिहाद एयरवेज, फ्लाई एमरेट्स। आपसे रिक्वेस्ट है भाई गुरु कि ये बड़विश अल करके जो पेज है इंस्टाग्राम का, ये जितना ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करो, दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसका करतूत है ना, एक नमाजी टोपी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ये बंदा। ये देखो, उस दिन से मैं उसके साथ रहना ही छोड़ दिया। देखो टंडी, कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है। जैसे वो हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा, सब अपने अपने भगवान का फोटो दिखा देना, ठीक है? ये जो बताना क्या चाह रहा है यार, बताना क्या चाह रहा है? हम मानते अकाल पुरख, उनका भी कोई रंग रूप किसी ने नहीं देखा भाई गुरु। एक निरंकार अल्लाह, एक ऐसा रोशनी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड चलता है उसी रोशनी से। क्यों मजाक उड़ाने का चंद टीआरपी, चंद लाइक्स, चंद व्यूज के लिए? क्यों किसी रिलीजन का अपन डिसरिस्पेक्ट करने का? वो नमाजी टोपी जिस बंदे ने पहना रहेगा, पहले तो माफी मांग जाके, अगर तू मुस्लिम रहेगा तो मस्जिद जाके माफी मांग, क्योंकि जो तूने गुनाह किया है ये गुनाह है। मजाक उड़ा रहा है। अब हनुमान जी किसको पता रियल में कैसे दिखते थे? पता है अवतार क्या था उनका, रियल अवतार क्या था? शिव जी पर्सनैलिटी ना, मालूम है कैसे दिखते है? किसी ने दर्शन किया है, किसी ने नहीं किया है, निरंकार है ना। तो भगवान भगवान है और तुम हो। ऐसे कई वीडियो आते हैं दिमाग में जो मतलब अगर मैं ना बोलूं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। और गलती से अगर ये ट्रेन में अगर मैं होता ना, अगर तो ये टीसी को भाई भगवान याद दिलाता है। ये देख, अपने सीट पे पड़ी है, सीट पे पड़िएगा, मजाक मत बनाइए गाड़ी को। क्या तरीका, किसी को भी परेशान कर दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, रोड पर नमाज पढ़ने, आप लोगों को मानसिकता क्या हो गया है? नमाज पढ़ने का, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कहिए कि किसी को परेशानी नहीं हो। हार्डली आप नमाज पढ़िएगा, हार्डली। ये नवरात्रि चालू है, हर जगह पे डीजे बजता है, हमको अच्छा लगता है यार, नवरात्रि है, डीजे चल रहा है। हमको अगर गलत, हमको कुछ गलत लगे तो हम गलत है कि ये नवरात्रि में डीजे क्यों बज रहा है। नौ देवियों वाला ये कंट्री में नवरात्रि होना चाहिए। लेकिन अगर नमाज को अगर किसी ने रोका, खाली क्या 15 मिनट रुक नहीं सकता है क्या उधर खड़े रह के? हा, दो तरीके के सोच दिखाता आज मैं वीडियो बनाता है मेरे मुस्लिम भाइयों के और मेरे मुस्लिम रिलीजन के लिए ना। अपना मानता है, मैं हिंदू रिलीजन भी अपना ही मानता है मैं। जिस रिलीजन में मेरे को दिखता है कुछ गलत है, मैं आवाज उठाएगा नहीं है। अपुन बापू के तीन बंदर, अंधा गूंगा बहरा। अब दो बंदे और दिखाता हूं, सोच देखो, सोच, ये सोच रखो जिंदगी में आगे तरक्की। ये देखो,
ये होता है सोच। एक सच्चा सिख किसी नमाज को रोकेगा नहीं कभी। किसी मस्जिद या दरगाह पे अगर कोई आंच आएगा ना, वो खंडा भी खड़काएगा उधर, क्योंकि इसका धर्म का रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा महाराज ने दिया हुआ वचन है। तो ये जो चीज, ये जो टीसी बोल रहा है कि सड़क बना के रखो क्या, अरे बेवकूफ, तेरे को पता है औकात, पता है क्या औकात? रेलवे में नहीं, जहाज ना जहाज 40-45 हजार फुट ऊपर आसमान फाड़ के उड़ता है ना, वहां पर नमाज अदा करने के लिए जगह रखा हुआ है। यह है इतिहाद एयरवेज, फ्लाई एमरेट्स, यह है नमाज का पावर। सीधा जगह ही प्लेन का बीच का, उस खुदा के लिए नमाज अदा होगा। और हाँ, और अगर गलती से अगर मैं ये ट्रेन में होता ना, अगर तू ये नमाज रोक दिया होता ना, तुझे ना उस ऊपर वाले का दर्शन जरूर होता। कसम से तुझे मुझ में क्या क्या दिख जाता ना, तू खुद जब भी उठेगा ना आईने में देखेगा मैंने क्या देख लिया। बाकी सब कुछ वो पिता करता, लेकिन एक बात, कभी किसी नमाज या कभी किसी रिलीजन का मजाक ना उड़ाइए। हाथ जोड़ के बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती कर रहा है, हाथ खोलने पे मजबूर ना करना। आपसे रिक्वेस्ट है वाहिगुरु की, ये बड़विश अल करके जो पेज है इंस्टाग्राम का, ये जितना ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करो, दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसका करतूत है ना, एक नमाजी टोपी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ये बंदा। ये देखो, उस दिन से मैं उसके साथ रहना ही छोड़ दिया। देखो डरने कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ है, जैसे वो पे अटैक करने की कोशिश करेगा सब अपने अपने भगवान का फोटो दिखा देना, ठीक है? ये जो बताना क्या चाह रहा है यार, बताना क्या चाह रहा है? हम मानते अकाल पुरख, उनका भी कोई रंग रूप किन्होंने, किसी ने नहीं देखा भाई। गिरो एक निरंकार अल्लाह, एक ऐसा रोशनी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड चलता है उसी रोशनी से। क्यों मजाक उड़ाने का चंद टीआरपी, चंद लाइक्स, चंद व्यूज के लिए? क्यों किसी रिलीजन का अपन डिसरिस्पेक्ट करने का? वो नमाजी टोपी जिस बंदे ने पहना रहेगा, पहले तो माफी मांग जाके, अगर तू मुस्लिम रहेगा तो मस्जिद जाके माफी मांग, क्योंकि जो तूने गुनाह किया है ये गुनाह है। मजाक उड़ा रहा है। अब हनुमान जी किसको पता रियल में कैसे दिखते थे, पता है अवतार क्या था उनका, रियल अवतार क्या था? शिव जी पर्सनैलिटी ना, मालूम है कैसे दिखते है? किसी ने दर्शन किया है, किसी ने नहीं किया है, निरंकार है ना। तो भगवान भगवान है और तुम हो। ऐसे कई वीडियो आते हैं दिमाग में जो मतलब अगर मैं ना बोलू ना, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। और गलती से अगर ये ट्रेन में अगर मैं होता ना, अगर तो ये टीसी को भाई भगवान याद दिलाता है। ये देख, नमाज पढ़ने का आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कहिए कि किसी को परेशानी नहीं हो। हार्डली आप नमाज पढ़िएगा, हार्डली। ये नवरात्रि चालू है, हर जगह पे डीजे बजता है, हमको अच्छा लगता है यार, नवरात्रि है, डीजे चल रहा है। हमको अगर गलत, हमको कुछ गलत लगे तो हम गलत है कि ये नवरात्रि में डीजे क्यों बज रहा है। नौ देवियों वाला ये कंट्री में नवरात्रि होना चाहिए, लेकिन अगर नमाज को अगर किसी ने रोका, खाली क्या 15 मिनट रुक नहीं सकता है क्या उधर खड़े रह के? दो तरीके के सोच दिखाता, आज मैं वीडियो बनाता है
मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए और मेरे मुस्लिम रिलीजन के लिए ना, अपना मानता है मैं, हिंदू रिलीजन भी अपना ही मानता है मैं, जिस रिलीजन में मेरे को दिखता है कुछ गलत है मैं आवाज उठाएगा, नहीं है अपुन बापू के तीन बंदर अंधा गूंगा बहरा। अब दो बंदे और दिखाता हूं, सोच देखो, सोच, ये सोच रखो जिंदगी में आगे तरक्की, ये देखो। ये होता है सोच। एक सच्चा सिख किसी नमाज को रोकेगा नहीं कभी। किसी मस्जिद या दरगाह पे अगर कोई आंच आएगा ना, वो खंडा भी खड़काएगा उधर, क्योंकि इसका धर्म का रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा महाराज ने दिया हुआ वचन है। तो ये जो चीज, ये जो टीसी बोल रहा है कि सड़क बना के रखो क्या, अरे बेवकूफ, तेरे को पता है औकात, पता है क्या औकात, रेलवे में नहीं, जहाज है ना जहाज, 40-45 हजार फुट ऊपर आसमान फाड़ के उड़ता है ना, वहां पर नमाज अदा करने के लिए जगह रखा हुआ है। यह है इतिहाद एयरवेज, फ्लाई एमरेट्स, यह है नमाज का पावर, सीधा जगह ही प्लेन का बीच का, उस खुदा के लिए नमाज अदा होगा। और हां, और अगर गलती से अगर मैं ये ट्रेन में होता ना, अगर तू ये नमाज रोक दिया होता ना, तुझे ना उस ऊपर वाले का दर्शन जरूर होता, कसम से तुझे मुझ में क्या क्या दिख जाता ना, तू खुद जब भी उठेगा ना आईने में देखेगा मैंने क्या देख लिया। बाकी सब कुछ वो पिता करता, लेकिन एक बात, कभी किसी नमाज या कभी किसी रिलीजन का मजाक ना उड़ाइए। हाथ जोड़ के बिनती है, हाथ जोड़ के बिनती कर रहा है, हाथ खोलने पे मजबूर ना करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु।